सो गाइस, पहले क्या होता था कि अगर हमको लाइटरूम प्रीसेट बनाना होता था तो हम सिर्फ पीसी में ही उसको बना सकते थे, अदरवाइज मोबाइल में नहीं बना सकते थे। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी लाइटरूम रिटचिंग का प्रीसेट कैसे बना सकते हैं, लोगों तक उसको आप शेयर भी कर सकते हैं बनाने के बाद। एंड प्रीसेट बनाकर आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सकती है रिटचिंग करने में, क्योंकि उसमें वन क्लिक में आपका सारा का सारा काम हो जाता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ एंड पूरा का पूरा आपको प्रोसेस समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, एंड आप भी सेव कर पाएंगे लाइटरूम का अपना खुद का प्रीसेट। ओके गाइस, तो मैं ओपन हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड आपके सामने है ये मेरा नॉर्मल इमेज जो कि हम रिटच करने के बाद इसका ही प्रीसेट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस, हमारे फोटो में कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो कंट्रास्ट को मैं यहाँ से कर देता हूँ माइनस। एंड इसके बाद हम चलते हैं सीधे कलर स्टोन में, यहाँ से मिक्स टूल में जाऊँगा, फेस की ल्यूमिनेंस हल्की सी बढ़ा लूँगा, येलो टोन में जाने के बाद इसकी ह्यू माइनस कर दूँगा, ग्रीन की भी ह्यू माइनस कर देता हूँ। एंड इसके बाद ब्लू टोन में जाकर इसकी हल्की सी ह्यू माइनस करेंगे, एंड रेड टोन में जाने के बाद इसकी हल्की सी सैचुरेशन हम बढ़ा देंगे, यहाँ से कर दूंगा मैं डन। डन करने के बाद हम चलते हैं इफेक्ट ऑप्शन में एंड यहाँ से स्प्लिट टोन में जाकर इसको एक टोन दे देते हैं, एंड यहाँ पर इसमें शेडोज़ में भी एक टोन दे देते हैं। तो टोन देने के बाद हमारा ये इमेज यहीं पर हम डन कर देते हैं, क्योंकि हमको नॉर्मल रिटच करना है ताकि हम इसका प्रीसेट बना सकें। तो यहाँ से आप इसका बिफोर देख सकते हैं एंड इसका आफ्टर देख सकते हैं, काफ़ी सही लग रहा है। तो अब गाइज, आपको क्या करना है इसका प्रीसेट बनाने के लिए, सबसे पहले आपको यहाँ से चले जाना है डायरेक्टली बैक होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन में जाना है जिसका नेम है पिक्सल लैब। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, आप सर्च करोगे सबसे टॉप पर आपको मिल जाएगी। ओपन होने के बाद आपको कैंसिल करना है एंड यहाँ पर न्यू टेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड जैसे ही आपका आता है ये न्यू टेक्स्ट आपको रिमूव करना है एंड यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आप प्रीसेट को नाम देना चाहते हैं वो नाम आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने जो टोन दी है वो थोड़ी सी वार्म टोन है, तो हम यहाँ पर वार्म टोन लिख देते हैं, वो भी बड़े फॉन्ट में, बड़ा फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर हम इसको सेंटर में रखेंगे, ए वाले आइकन पर हम लोग जाएंगे। जाने के बाद गाइज, आपको क्या करना है, फॉन्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ से ये बोल्ड वाला सिंपल सा आपको ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब आपको ये बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है और इसकी लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग ऑन कर देना है दोनों साइड से। एंड अब इसको आपको ये जो डबल लेयर बनी हुई है इस पर आपको जो जाना है, एंड अब आपको यहाँ से कर देना है इसको ट्रांसपेरेंट। एंड यहाँ से शेयर वाले आइकन में जाने के बाद अब ये आपका PNG बन चुका है, आपको सीधे से कर देना है सेव टू गैलरी। सेव टू गैलरी जैसे ही करेंगे आपका ये फॉन्ट हो चुका है सेव। अब आपको यहाँ से भी डायरेक्टली होम पेज पर जाना है एंड आपको अब एप्लीकेशन ओपन करनी है पिक्सी प्रो। पिक्सी प्रो में आपको गेट अ पिक्चर में इंपोर्ट ऑप्शन में जाने के बाद जो हमारा नॉर्मल इमेज है जो हमने रिटच नहीं किया है उस इमेज को आपको लेकर आना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद गाइज, आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमम साइज़ में चूज़ कर लेना है। अब आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद इंसर्ट पिक्चर में चलना है एंड यहाँ से अब क्या करना है, जो हमने पिक्सल लैब में फॉन्ट बनाया था इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से इसको बीच में सेट कर देना है एंड यहां से आपका काम हो जाता है डन। अब आप इस इमेज को कर दीजिए एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाकर सेव टू पिक्चर पिक्सी प्रो, ये आपका इमेज हो गया सेव। अब जो हमने लाइटरूम में रीटच किया था इमेज को, डायरेक्टली हम सीधे चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में एंड अब आपको क्या करना है, 3 डॉट्स पर चलना है, इसकी कॉपी सेटिंग्स कर लेनी है एंड यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है एंड बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ से प्लस वाले आइकन में जाना है एंड हमने जो अभी पिक्सी प्रो में इमेज जो बनाकर रख दिया था इस इमेज में आपको टैप करना है एंड यहाँ से इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइज, आपका ये इमेज यहाँ पर आ चुका है। अब आपको इसी इमेज को ओपन करना है एंड 3 डॉट्स पर जाकर पेस्ट सेटिंग्स कर देना है। अब हमको इसको बनाना है अपना प्रीसेट। तो प्रीसेट बनाने के लिए आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, नीचे जाना है, आपको एक एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, इस एक्सपोर्ट ऑप्शन में आपका सेलेक्ट होगा JPG। तो JPG से हटकर आपको DNG फाइल में सेव करना है इसको एंड DNG फाइल में आप जैसे ही इसको सेव करते हो तब ये आपका डायरेक्टली प्रीसेट में आपका ये सेव होता है एंड आप इसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं एंड आप खुद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बन चुका है हमारा प्रीसेट। अब इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो हमने अभी प्रीसेट बनाया है इसको तो हम कर देते हैं डिलीट एंड जो हमारा नॉर्मल इमेज था जिसमें हमने रीटच किया था इसकी जो रीटचिंग है वो सारी की सारी हम रीसेट कर देते हैं यहाँ से ऑल।
सारी की सारी रिटचिंग गई। अब हमको क्या करना है, जो हमने प्रीसेट अभी बनाकर सेव कर लिया उसको देखना है कि वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये लोडिंग होगी एंड आपके सामने आपका प्रीसेट तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं वार्म टोन जो हमने सेव की थी एंड उसके ऊपर बना भी आ रहा है रॉ, यानी कि ये DNG फाइल में सेव हो गया है एंड ये आपका टोटली प्रीसेट है। अब आपको इस प्रीसेट पर सिंपल से क्लिक करना है, 3 डॉट्स में जाना है, कॉपी सेटिंग्स करना है, राइट पर टैप करना है, नॉर्मल इमेज पर आना है, 3 डॉट्स पर जाना है एंड यहाँ से कर देना है पेस्ट एंड ये आप देख सकते हैं आपका फ़ोटो हो चुका 1 क्लिक में रेडी। तो ऐसे ही बनता है प्रीसेट, आप इसका बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं एंड ये तो है ही प्रीसेट, इसका बिफोर एंड आफ्टर कुछ भी नहीं आएगा। तो हमने इसकी जो सेटिंग्स है वो सारी की सारी ले ली हैं एंड ये आपका प्रीसेट बनकर रेडी हो गया है। अब आप इस प्रीसेट को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो, अगर आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो में आप डाल सकते हो, लिंक दूसरों को दे सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक कर ज़रूर जाना एंड मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।